हे गाइस वेलकम बैक। MIUI 12.0.2.0 अपडेट के बाद पोको X2 के परफॉर्मेंस में जो बूस्ट हुआ है भाई साहब, आगे आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। सो मैं पोको X2 को डायरेक्ट कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 855 के साथ, और रिजल्ट जो मुझे देखने को मिले वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। तो सबसे पहले दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ओपन कर लेते हैं पबजी को और देख लेते हैं पबजी कौन सा फ़ोन सबसे पहले ओपन करता है। दोनों भी फ़ोन में गेम टर्बो चल रहे और दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आगे यहाँ पे वन प्लस चल रहा है, पोको वन प्लस। ओ भाई साहब, पोको वन प्लस, ओ माय गॉड, सबसे पहले पोको X2 ने पबजी को ओपन किया है। यार किसी को भी कभी भी कम मत समझना, जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला है। यार मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है। 855 से पहले स्नैपड्रैगन 730G ने पबजी को ओपन किया है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, पबजी को फिर से रिसेंट से हटा दिया। यहाँ पे मैं फिर से हटा देता हूँ और फिर से मैं पबजी को ओपन कर लेता हूँ, और दोनों भी फ़ोन गाइस सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 2 और गो। तो टच सैम्पलिंग रेट मुझे थोड़ा सा पोको X2 का बेटर देखने को मिल रहा है, जैसे कि टच करता हूँ तो रिस्पांस बेटर देखने को मिल जाता है पोको X2 में। तो यहाँ पे आगे चल रहा है वन प्लस, फिर से आगे पोको, पीछे वन प्लस। क्या देख रहा हूँ यार मैं, क्या देख रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट लेवल। पोको X2 जिनके भी पास है सच में यार खुश हो जाओ। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है पोको X2 यूज़र ज़रूर कंप्लीट करोगे। और नेक्स्ट टेस्ट में हम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करके देख लेते हैं कि सबसे पहला कौन सा फ़ोन सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन करता है। तो यहाँ पे रिसेंट में कुछ भी नहीं है, तो 1 2 गो फोन एपी के। सबसे पहले वन प्लस ने इसे ओपन किया है, प्राइवेसी के कारण मैं इसको थोड़ा हाइड कर रहा हूँ। उसके बाद मैसेज, और मैसेज भी सबसे पहले वन प्लस ने ओपन किया है। उसके बाद सेटिंग ऐप, 1 2 और गो, सेटिंग सबसे पहले ओपन किया है वन प्लस ने, ओके। उसके बाद गैलरी ऐप, 1 2 गो, तो गैलरी ऐप सबसे पहले ओपन किया है पोको X2 ने, ओके। उसके बाद कैमरा ऐप, 1 2 गो, और कैमरा ऐप भी सबसे पहले ओपन किया है वन प्लस 7 प्रो ने, मतलब स्नैपड्रैगन 855 ने। उसके बाद यहाँ पे मैं इंटरनेट बेस्ड स्पीड टेस्ट करूँगा, और दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी यार मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रहा हूँ कि पोको X2 मतलब क्या खा के आया है, आई डोंट नो यार। वाईफाई का स्पीड भी आपको पोको X2 में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और गाइज मैं सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट किया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे वाईफाई को डिसेबल करता हूँ और फिर से इनेबल करता हूँ दोनों भी फ़ोन में। तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर से मैंने इनेबल किया और फिर से मैं यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ। सो वन प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन, हाँ ओके। ओ माय गॉड, कैसे विश्वास रुकूं मैं पोको X2 के ऊपर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। गाइज ये वन प्लस को हरा दे रहा है बार बार। और गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो यार ये जो वाईफाई बेस्ड स्पीड टेस्ट था इंटरनेट बेस्ड, ये पोको X2 ने जीत लिया है। उसके बाद दोनों भी फ़ोन में सेम साइज का जिप फाइल है, बट यहाँ पे वन प्लस का जो फाइल मैनेजर है वो रॉन्ग जिप फाइल का साइज दिखाता है, बट साइज दोनों का भी सेम है। तो इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और जो एक्सट्रैक्ट किया फाइल है वो हम कॉपी भी करके देख लेंगे, और सबसे पहले कौन सा फ़ोन कॉपी कर लेता है ये भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग स्टार्ट हो चुका है। ओ माय गॉड, फिर से ये पोको यार क्या खा के आया है। सबसे पहले यार इसने एक्सट्रैक्ट किया फाइल को, जैसे कि आप पूरा प्रूफ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और उसके बाद कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ सेकंड के बाद वन प्लस ने यहाँ पे किया है एक्सट्रैक्ट। उसके बाद जो एक्सट्रैक्ट किया था उसमें लगभग 65 फाइल्स है, छोटी बड़ी। तो इसको हम दूसरे फोल्डर में कॉपी करके देख लेते कि कौन सा फ़ोन सबसे फास्ट कॉपी करता है। और गाइस दोनों भी फ़ोन में जो बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर आते हैं कंपनी के, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वन प्लस और पोको फाइल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ टारगेटेड फोल्डर में,
ओके तो यहाँ पे कर लेते हैं हम कॉपी. सो 1 2 और गो. अरे बाप रे क्या बोलूँ यार मैं, क्या बोलूँ, ये आधा भी नहीं कर पा रहा है स्नैपड्रैगन 855. ये पोको X2 ने पूरा का पूरा कॉपी करके फेंक दिया इस साला. मतलब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, कुछ नहीं बोल सकता मैं इसके आगे. अभी भी ये कॉपी कर रहा है वन प्लस 7 प्रो स्नैपड्रैगन 855. सो गाइज मुझे एक बात तो समझ में आई, कभी भी फ़ोन के प्रोसेसर के नंबर्स के ऊपर मत जाना. जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको स्पीड देता है वही सही होता है. जैसे कि यहाँ पे पोको X2 कर रहा है यार, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ इस फ़ोन से. उसके साथ फिंगरप्रिंट स्पीड कर लेते हैं और यहाँ पे पोको X2 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है. तो 855 वन प्लस 7 प्रो में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है. सो जब फ़ोन लॉक होता है और लॉक स्क्रीन से मैं अनलॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पोको X2 फास्ट लगा, और जब मैं पूरा डिस्प्ले ऑफ करके अनलॉक कर रहा हूँ तो दोनों का भी स्पीड सेम है. जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले पूरा ऑफ किया तो यहाँ पे सिम्बॉल आ जाता है वन प्लस 7 प्रो में और अनलॉक, तो यहाँ पे दोनों का भी स्पीड मुझे ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिला. मतलब सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिला. उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट, काइन मास्टर एप्लीकेशन से हम एक वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे. सेम साइज़ का रहेगा, सेम लेंथ का वीडियो रहेगा. तो देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो को कर पाता है. तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेम लेंथ और सेम साइज़ का वीडियो बना है, और ये वन प्लस 7 प्रो मतलब 855 4K तक एडिटिंग को सपोर्ट करता है. बट ये 1440p तक पोको X2 यहाँ पे सपोर्ट कर लेता है. तो दोनों भी फ़ोन में सेम साइज़ का यहाँ पे वीडियो का लेंथ बन चुका है और वीडियो का MB भी. तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि वन प्लस 7 प्रो आगे है GPU और CPU पावरफुल होने के वजह से. तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले फिनिश किया है वीडियो रेंडरिंग को वन प्लस 7 प्रो ने, और उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे फिनिश किया है पोको X2 ने. उसके साथ बात करें AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की, तो रिजल्ट में भी यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो. सो गाइज इस AnTuTu स्कोर से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं उस पर बिलीव करता हूँ जो डेली लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते समय जो फ़ोन मुझे फास्ट लगता है. सो गाइज उसमें ही बिलीव करते रहना, क्योंकि यार ये बेंचमार्क स्कोर वगैरह कम ज़्यादा होते रहते हैं. उसके साथ यहाँ पे हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, एक 100 MB का एप्लीकेशन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे सेम टाइम पे, और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन इंस्टॉल कर लेता है. सो 1 2 और गो. ओ माय गॉड, दोनों भी फ़ोन करेक्ट टाइम, सेम टाइम, मतलब क्या है बोलो, सेम टाइम पोको X2 यार मतलब गजब का फ़ोन है सच में. उसके साथ यहाँ पे हम कर लेते हैं कैमरा शटर का स्पीड, किसका फास्ट है देख लेते हैं. सो यहाँ पे 1 2 और गो. पोको X2, फिर से पोको X2. आप कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का फोटो लेते हो और जिसका शटर स्पीड फास्ट होगा वो एक्यूरेट फोटो ले लेगा, और जिसका शटर स्पीड कम रहेगा उसमें ब्लरी फोटो आएगा मूविंग ऑब्जेक्ट का. बट यहाँ पे पोको X2 का जो शटर स्पीड है वो मुझे फास्ट देखने को मिला एज कम्पेयर टू वन प्लस 7 प्रो 855. सो उसके साथ हम कर लेते हैं रिबोट टेस्ट, और रिबोट टेस्ट से हम देख लेते कि कौन सा फ़ोन सिस्टम में सबसे पहले बूट हो जाता है. तो यहाँ पे कर लेते हैं स्टार्ट, 1 2 और गो. सो गाइज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि स्नैपड्रैगन 855 से तुम फोन्स को क्यों कंपेयर कर रहे हो. गाइज रियल प्रैक्टिकल टेस्ट देख लो और देख लो कौन से फ़ोन यहाँ पे जीत रहे हैं, इससे ही आपको पता चलेगा. ओ माय गॉड, यहाँ पे फिर से पोको X2 सबसे पहले सिस्टम के अंदर बूट हुआ है. कमाल का डिवाइस है गाइज, कमाल का, इसलिए कभी भी किसी को कम मत समझना. सो गाइज स्नैपड्रैगन 855 हो या वन प्लस हो यार कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें आपको फास्ट देखने को मिलती है वही सही होती है. सो यहाँ पे यार क्लियरली पोको X2 ने प्रूव करके दिखाया, और बहुत ज़्यादातर टेस्ट में पोको X2 ही यहाँ पे विन हो चुका है. और इस MIUI 12.0.2.0 अपडेट के बाद पोको X2 में यार परफॉर्मेंस में डेफिनेटली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है.
आपको क्या लगता है यार मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और 855 के साथ और कौन कौन से फ़ोन को कंपेयर करना चाहिए ये मुझे यार कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास पोको X2 है तो उसमें MIUI 12.0.2.0 का अपडेट आया है कि नहीं ये भी यार जरूर कमेंट करके बताना। और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और 2000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करना। जय हिंद दोस्तों।